विधानसभा में जिला में दीपक अभी निरीक्षण किए और भेंट मुलाकात कार्यक्रम किए और सभी विभागों के बारे में जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में जानकारी जो हितग्राही हैं उनसे हम लोगों ने लिया है और सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ जो बड़ी मांग थी कि कुतमुरा से शाम तक जो सड़क है और उसकी स्वीकृति और दो महाविद्यालय इस्लामपुर और उमरेली दो जगह महाविद्यालय तीन जगह हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन तमाम इन साल के साथ बहुत सारे मांगे थी इसकी मैंने घोषणा की है। देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं का विधानसभा में प्रतिशत छत्तीसगढ़ का है। किसी भी विधानसभा में इतने महिलाओं की उपस्थिति नहीं है जितना छत्तीसगढ़ में। सर आदिवासी समाज ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कितना असर रहेगा इस आने वाले चुनाव पे? वो आम जनता जान चुकी है, पहले सर्व आदिवासी समाज की बैठक में लोग इसलिए जाते थे कि समाज का है, लेकिन अब उसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझते इसे आदिवासी स्वीकार करेंगे। सर उस पर परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, विक्रांत तो ये है जो जितने योग्य होगा उसको टिकट मिलेगी। हाँ। और इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी अपना हार स्वीकार कर चुकी है और ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। ईडी बूथ में नहीं खड़ा होगी, प्रभारी चुनाव जो राजनीतिक दल के लोग हैं उसे ही बूथ में खड़ा होना होता है।